हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल UNVT में। दोस्तों, आज एक बड़ी खबर लेके आए हैं शिक्षा मित्रों से रिलेटेड। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आइए चलते हैं न्यूज़ की तरफ, देखते हैं न्यूज़ क्या आई है। जितेंद्र शाही ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से की मुलाकात तथा शिक्षा मित्रों के भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट करने का किया आग्रह। मित्रों, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आज पुनः हम उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से मिले तथा शिक्षा मित्रों के भविष्य को लेकर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया, जिस पर माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने आश्वस्त किया कि आपकी ही मांगों के अनुसार हमारी सरकार शिक्षा मित्रों का हित और भविष्य सुरक्षित करने के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए शासन में व्यापक तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि शिक्षा मित्र परेशान व हताश ना हो। हमने शिक्षा मित्रों के संबंध में रिपोर्ट उच्च स्तर को सौंप दी है और जितना हमसे संभव हो सका है उससे कहीं अधिक आप लोगों का पक्ष रखा है। जल्दी ही खुशियाँ आप सबके आंगन में पसरेंगी, इसलिए शिक्षा में थोड़ा धैर्य एवं संयम से काम लें। उनका भविष्य हर हाल में सुरक्षित किया जाएगा और शिक्षा में किसी भी तरह से राजनीति के शिकार होने से बचें। मित्रों, हमारा संगठन आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन आप सबके भविष्य को सुरक्षित एवं संरक्षित कराने हेतु एक लंबे समय से प्रयासरत है और हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि आने वाला समय हम सबके लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। ऐसा संकेत हमें मिल चुके हैं, लेकिन अभी इसके अरे मैं ना तो आप लोग किसी माध्यम से पूछेंगे, ना ही कॉल और ना ही व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पूछें, क्योंकि यह बात बता पाना संभव नहीं है। आज माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय से मिलने वाले में हमारे साथ विमल त्रिपाठी जी, राजेश त्रिपाठी पाठक जी महोबा से तथा अनूप मिश्रा जी चित्रकूट से मुख्य रूप से मौजूद रहे। तो दोस्तों, देखिए आज की ये बड़ी खबर थी और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, देख लीजिए आप लोग, जिससे आप लोगों को भी यकीन हो जाए। ये फ़ोटोज़ हैं, ये मिल रहे हैं, देखिए। और एक फ़ोटो है, दिखा देते हैं आपको, देखिए एक और फ़ोटो है। तो देखिए दोस्तों, ये मिल रहे हैं, देखिए ये फ़ोटो है। तो ये खबर आप लोग देख ही सकते हैं कि बिल्कुल सच है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो आप लोगों के लिए बहुत ही काम की खबर है। तो दोस्तों का शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।